हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ ज्योमेट्री। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलीगन तक पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। ओके, ट्राइंगल से लेकर के जो भी आगे का पार्ट है ज्योमेट्री का, हम लोग वो पूरा पार्ट कवर अप करेंगे, ट्राइंगल सर्कल्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल होता क्या है? ठीक है, ट्राइंगल एक तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें तीन लाइन सेगमेंट्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल में तीन लाइन सेगमेंट्स होती हैं। ठीक है, इट इज अ प्लेन एंड क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज बाउंड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए तीन लाइन सेगमेंट्स हो गई। अब तीन लाइन सेगमेंट्स अगर हैं यहाँ पर, तो डायग्राम से ही हमें समझ में आ जाता है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, तीन ये एंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये तीन एंगल्स बनेंगे और इसमें तीन साइड्स होंगी। क्लियर, इसमें ये तीन साइड्स होंगी। ये मान लीजिए ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। एंगल ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। क्लियर, तो ये होता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और ये क्या होगा, ये तीन यहां पर वर्टेक्स हो गए। अब इसी के बेसिस पे हम लोग ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर, इसी के बेसिस पर हम ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मान लीजिए कि यहां पर ये जो आपके पास डायग्राम ये दिख रहा है, अगर इस डायग्राम में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो तीनों साइड्स होती हैं, ये सी बी और ए, ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये जो अंदर एंगल्स है एक्स वाई जेड, ये इक्वल होते हैं और जो इनकी वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो जो ईच एंगल है, ईच एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आपको ध्यान देना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इक्विलैटरल के बाद जो सेकंड हमारा ट्राइंगल है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। चलिए देखते हैं आखिर आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलिस ट्राइंगल, देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल अभी आपने देखा था। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या था कि तीनों साइड्स इक्वल थी। आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसे बोला जाता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। जैसे कि यहां पर देखिए ए ये है ना, सी बी और ए, तो मान लीजिए कि ये सी इज इक्वल टू बी, ये दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ए इक्वल नहीं है, ठीक है, ए इक्वल नहीं है, सी और बी इक्वल है, तो ये हो गया आइसोसेलिस ट्राइंगल। या फिर अगर हम बोलते कि बी और ए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं लेकिन सी इक्वल नहीं है, सी अलग है, बी और ए सेम है, तो ये क्या होगा, आइसोसेलिस ट्राइंगल। मतलब समझ लीजिए कि जैसे बी है, बी और ए की वैल्यू मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गई और सी हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स क्या है, दो साइड्स यहां पर इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इक्विलैटरल में सारे एंगल्स इक्वल थे। आइसोसेलिस में क्या है कि जो साइड्स हैं, साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर, जैसे कि यहां पर देखिए ये सी है और ये बी, अगर ये सी और बी इक्वल हैं तो यहां पर जो वाई है, वाई विल बी इक्वल टू जेड, एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल रहेगा। क्लियर है, मतलब जो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल। जैसे ये बी है, बी के ऑपोजिट एंगल क्या है, बी, और सी के ऑपोजिट एंगल क्या है, सी। तो ये जो सी के ऑपोजिट एंगल यहाँ पर ये सी है, ये सी और ये बी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। क्लियर, और अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो ये साइड है ए इज इक्वल टू बी, तब कौन सा एंगल इक्वल होगा,
ए और बी अगर इक्वल है तब कौन सा एंगल इक्वल रहेगा, ये रहेगा हमारा एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल रहेंगे। तो जो एंगल साइड के ऑपोजिट होते हैं वो एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। ओके क्लियर है पॉइंट। जैसे कि यहां पर ये साइड है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे ये हो गया सी, ये है हमारा यहाँ पर सी और ये है यहाँ पर बी, ये दो साइड्स हैं सी और बी। अगर सी और बी इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा। और जो सी के ऑपोजिट एंगल है क्या है, एंगल सी, और जो बी के ऑपोजिट एंगल है क्या है, एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो आइसोसेलिस में दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आइसोसेलिस में दो साइड और दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट ट्राइंगल आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्केलिन ट्राइंगल। तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलिस और स्केलिन। अब देखिए, आपने इक्विलेटरल में देख लिया कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, स्केलिन में क्या होता है, साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, साइड्स आर नॉट इक्वल, अलग अलग साइड्स होती हैं। इसके बाद एंगल्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल, एंगल्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल, ठीक है, ये होता है हमारा स्केलिन। स्केलिन में साइड्स और एंगल्स कुछ भी सेम नहीं होता, सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं आखिर स्केलिन, आइसोसेलिस और जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं इन ट्राइंगल्स में, आइसोसेलिस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, और सॉरी इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलिस में क्या होता है टू साइड्स आर इक्वल, स्केलिन में क्या होता है नो साइड इज इक्वल, ठीक है, कोई भी साइड सेम नहीं होती है। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलिस में क्या होता है टू एंगल्स आर इक्वल, स्केलिन में क्या होता है नो एंगल इज इक्वल, ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बाद इक्विलेटरल में क्या होता है, जो भी एंगल होता है ईच एंगल, ठीक है, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके ये तीन यहां पर बेसिक डिफरेंसेस हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलिस और स्केलिन ट्राइंगल्स में, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनका एरिया वगैरह हम लोग निकालते हैं वो भी हम लोग लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, एरिया पेरीमीटर वगैरह जो भी होता है, डिफरेंसेस आते हैं इनमें, वो भी हम लोग लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्राइंगल्स को, हम लोग एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अभी जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था इक्विलैटरल, आइसोसेलिस और स्केलिन का, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के बेसिस में जो हमारा ट्राइंगल है वो तीन तीन टाइप के हमारे ट्राइंगल्स बन जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा हमारा बनता है यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा आता है यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरा आता है यहां पर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये तीन टाइप के ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स उनको बोलते हैं जिनके तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं। और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मीन्स, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल।
क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक्यूट में क्या है? सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, और यहीं पर जो है ना, जैसे कि ये आ गया यहाँ पर कि राइट एंगल से 90 डिग्री आ गया, तो यहीं से हमें कुछ फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। फॉर्मूले क्या मिल जाते हैं? चलिए एक बार पहले स्केलिंग देख लीजिए, फिर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल में जो एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे देख, सिंपल सा वर्ड है, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया, तो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूस मीन्स दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको बोला जाता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल में आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट छोड़ते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल का। राइट एंगल के हम लोग यहां पर पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, राइट एंगल में यहां पर क्या क्या यूज होता है, फिर राइट एंगल से हम लोग ये ऑब्ट्यूस एंगल का भी फॉर्मूला यहां पर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए राइट एंगल में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से ये दिया हुआ है ट्राइंगल। ओके, ये ट्रायंगल आ गया यहाँ पर। अब ये मान लीजिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। ओके, ये ए बी सी हो गया यहाँ पर। और राइट एंगल में क्या होता है? एक जो एंगल है वो क्या होता है? 90 डिग्री। ये साइड मान लीजिए, ये साइड आप मान लीजिए, ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज निकल के आते हैं राइट एंगल के। कौन कौन से फॉर्मूलाज निकल के आते हैं? पहली चीज तो क्या ध्यान देनी है कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, दैट इज ये जो यहाँ पर एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये 90 हो गया तो ये एंगल है, और जो ये एंगल है दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो जो दो बाकी जो दो एंगल्स हैं वो उनका जो सम है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ऑब्वियस सा पॉइंट है कि अगर बी 90 डिग्री है तो ए और सी का सम क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला पॉइंट, एंगल बी 90 डिग्री है तो जो बाकी दो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। फिर यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज वाला जो रूल होता है, दैट इज ये ए बी सी हो गया, तो यहां से ये रूल निकल के आता है कि ये जो बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ये रूल यहां से निकल के आता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आप ट्रिग्नोमेट्री में या फिर जैसे कि यहाँ पर भी है ज्योमेट्री में, ये जो रूल है, ये थ्योरम है, इसका बहुत यूज पड़ता है। तो याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहला टर्म होता है जिसे बोला जाता है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन एक स्ट्रेट लाइन होती है, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो मान लीजिए यहां से ये एक लाइन आती है, क्लियर है, ये पॉइंट हो गया हमारा डी। ओके, अब ये जो लाइन आ रही है ए से डी तक, अगर ये लाइन बी और सी को इक्वली डिवाइड करती है, बी और सी को इक्वली डिवाइड करती है, तो यहां पर ए डी क्या हो गया? मीडियन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये ए डी है, ए डी क्या है? ए डी है यहां पर हमारा मीडियन। और जो मीडियन होता है, मीडियन इट डिवाइड्स लाइन इंटू टू पार्ट्स, तो मीडियन की वजह से यहाँ पर जो बी डी है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो जरूर याद रखिएगा, ये मीडियन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मीडियन डिवाइड्स द लाइन इंटू टू टू इक्वल पार्ट्स। तो ए डी मीडियन हो गया, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात होती है,
जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब बात होती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं, देखिए यहां से काफी सारी मीडियंस निकलेंगी, ठीक है, ये मीडियंस होंगी, तीन मीडियंस बनती है ट्रायंगल में, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों मीडियन होती हैं, थ्री जो मीडियंस होती हैं, ऑल आर इक्वल, जो तीनों मीडियंस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्लियर। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं, आई देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इस वजह से तीनों मीडियन इक्वल हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल इक्वल होते हैं, उसकी वजह से दो मीडियंस इक्वल होती हैं, टू मीडियंस आर इक्वल, क्लियर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन मीडियंस इक्वल होती हैं, जबकि आइसोसेलिस ट्रायंगल में केवल दो मीडियंस इक्वल होती हैं, ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल से, ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको यहां पर डायग्राम एक बना ही लेते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल का, ये आ गया ऐसे, ठीक है। आइसोसेलिस ट्रायंगल में ध्यान देना है कि ये जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, और जो ये सी हो गया, ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। मान लीजिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये हमारा वाई है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो ये एंगल से जाएगा, ठीक है, जो ये मीडियन जाएगी बी से, ठीक है, और जो ये मीडियन जाएगी सी से, ये दोनों मीडियंस इक्वल हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये बी डी हो गया, ये बी ई हो गया, और ये मान लीजिए ऐसे आ गया, ये एफ हो गया, तो आपको ध्यान देना है कि जो बी ई है, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, और ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है कि ये जो बी है इट इज इक्वल टू सी डी, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू ए एफ, ठीक है, ए एफ इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो ये दो मीडियंस हैं ये इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ए एफ इज नॉट इक्वल टू बी डी एंड ए एफ इज नॉट इक्वल टू बी ई एंड सी डी, बट ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये जो यहाँ पर मीडियन है, ठीक है, ये जो मीडियन है जो अनइक्वल एंगल से आती है, जो अनइक्वल एंगल से मीडियन आती है वो परपेंडिकुलर होती है साइड के, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है आपको, आपको ध्यान ये देना है कि आइसोसेलिस में दो मीडियंस इक्वल होती हैं, जो इक्वल एंगल से निकलती हैं, और जो अनइक्वल एंगल से मीडियन निकलती है इट इज परपेंडिकुलर टू द साइड, तो ए एफ इज परपेंडिकुलर टू द साइड। ठीक है, अब इसके बाद स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन का आपको पता ही है, स्केलिन में तीनों मीडियंस अनइक्वल होती हैं, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल में मीडियंस आर नॉट इक्वल, और थ्री मीडियंस नॉट इक्वल, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल्स में थ्री मीडियंस आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब जरा हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, ये तो हमारे तीनों हो गए ट्राइंगल्स, अब इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं जरा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यहाँ पर रूल लग सकता है। देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ओके। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है, ये आ गया हमारा बी डी। अब देखिए ये जो बी से निकल के ये लाइन जा रही है, ये क्या है, ये मीडियन है, दैट इज बी डी, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन बी डी। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो यहाँ पर मीडियन होता है बी डी, ठीक है, ये जो लाइन है ए सी इसको बाइसेक्ट करता है, एंड इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ बी सी, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो यहां से मीडियन जाती है दैट मीडियन बाइसेक्ट्स द लाइन, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टर्म है जिसे बोला जाता है सेंट्रोइड। क्या होता है सेंट्रोइड,
ठीक है, सेंट्रॉइड मीन्स द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो मीडियंस होती हैं, जो मीडियंस होती हैं, हम लोग बोल सकते हैं मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है, मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। जैसे कि ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब ये जो यहाँ से मीडियन जा रही है, ये जो यहाँ से मीडियन जा रही है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो जो मीडियन से इनका मीटिंग पॉइंट है कुछ, ये है इनका मीटिंग पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ। तो जो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या हो गया, ओ। तो मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। अब देखिए सेंट्रॉइड का जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रॉइड, नोट कर रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। आपको ध्यान देना है कि सेंट्रॉइड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके, ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ये डी हो गया, ये देखिए ये मीडियन है। जो मीडियन आती है फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिवाइड, चलिए मान लेते हैं इसने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये यहाँ पर सेंट्रॉइड हो गया, इसको हमने नाम दे दिया जी। अब सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहां पर क्या है, जो एजी है, एजी अपॉन जीडी, एजी अपॉन जीडी इट विल बी इक्वल टू 2:1। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, AG:GD इज इक्वल टू 2:1। ये काफी सारे क्वेश्चंस में यही सेम टू सेम फॉर्मूला यूज होता है। ओके, तो सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, चलिए सेंट्रॉइड के बाद हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर तो वर्ड से समझ में जाता है, प्रीवियस वीडियो में भी आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर के बारे में। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, या गया ए बी और सी, या गया डी। तो यहां पर जो ए डी है, ए डी क्या हो गया, ए डी हो गया परपेंडिकुलर, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हम लोग ए डी को बोल देते हैं ए डी इज व्हाट, ए डी इज ऑल्टीट्यूड, AD इज वॉट, AD इज ऑल्टीट्यूड। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। अब ध्यान क्या देना है आपको, यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री परपेंडिकुलर्स, ऑल द थ्री परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे परपेंडिकुलर्स इक्वल होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो जो यहां से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और जो यहां से जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो जितने ये जो सारे परपेंडिकुलर्स हैं ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। ठीक है, और क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये परपेंडिकुलर्स होते हैं, ये परपेंडिकुलर्स और कोई नहीं बल्कि क्या होते हैं, मीडियंस। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो बेसिकली मीडियंस होते हैं। तो मीडियंस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ऐसा नहीं है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में मीडियन अलग होगी परपेंडिकुलर अलग होगी। होता क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में मीडियंस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों वही सेम लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये तो इक्विलेटरल का हो गया, और आइसोसेलिस में हम लोगों का सेम रूल रहेगा। आइसोसेलिस में क्या होगा, आइसोसेलिस में सेम वही पॉइंट कि जो ये दो होते हैं, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो दो परपेंडिकुलर्स हैं वो दो परपेंडिकुलर्स इक्वल होते हैं।
है, परपेंडिकुलर आइसोसेलिस में जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं, जबकि आइसोसेलिस में जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, तीसरा इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, केवल केवल और केवल जो दो जो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल्स के जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर बी और सी इक्वल होंगे तो जो बी और सी के जो परपेंडिकुलर्स हैं वो दोनों इक्वल रहेंगे। एक और चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है, देखिए ए बी सी, यहां से ये गया हमारा बी, ये बन गया हमारा डी, ये बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, आप समझ जाइए, ये तो ऊपर जा नहीं पाया, थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया थोड़ा सा। ये आ गया हमारा एफ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, मान लीजिए कि ए बी और ए सी इक्वल है। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इस केस में जो बी डी है, बी डी और सी इक्वल रहेंगे। ओके, उसके बाद ये जो ए एफ है, ये जो ए एफ है ये अनइक्वल है, ए एफ अनइक्वल है, तो ये ए एफ क्या रहेगा, ये रहेगा मीडियन। ठीक है, ये जो ए एफ है ये क्या रहेगा, मीडियन। एंड ये जो ए एफ है इट इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कॉपी करना हो आपको, ये कॉपी कर लीजिए। आइसोसेलिस ट्राइंगल की यहां पर बात हो रही है। आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या है कि ये जो दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए सी, तो इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं बी डी और सी ई, ये दोनों इक्वल हैं। जो अनइक्वल साइड है, जो इसका परपेंडिकुलर है ए एफ, ये ए एफ मीडियन बन जाता है, और ये जो ए एफ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का तो आपको पता ही है, कुछ भी इक्वल नहीं होता। तो स्केलिन ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर्स हैं दे आर अनइक्वल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑर्थो सेंटर। क्या होता है ये ऑर्थो सेंटर? देखिए, जो मीडियंस होती हैं, मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, फिर क्या है कि जैसे मीडियंस मीट करती हैं वैसे ही जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते होंगे, तो ऑल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का मीटिंग पॉइंट। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। क्लियर? तो जैसे कि मान लीजिए कि चलिए एक डायग्राम बना के हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर इस तरीके से है, यहां पर ये ट्राइंगल हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये अगर इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से है, मान लीजिए ये आ गया डी, ये आ गया ई और ये आ गया एफ। तो ये अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर्स हैं तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए ये ओ हो गया, तो जो मीटिंग पॉइंट है ओ हो गया हमारा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। ओ हो गया हमारा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो कि काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए देखते हैं जरा क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, जैसे कि ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी।
ओके, इस तरीके से है यहां पर ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हम लोगों ने लिया जो सेम है ना, ये जो सेम डायग्राम है इसी डायग्राम को हम लोगों ने यहां पर रिप्लिकेट किया है। ये जो ओ है ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, ये ओ क्या हो गया, ये ओ हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर ठीक है, ये ओ हो गया ऑर्थो सेंटर। ये जो ए है इसको मान लीजिए ये हो गया ए ओके, और इस एंगल को मान लीजिए ये हो गया एक्स ओके, और ये ओ क्या है ऑर्थो सेंटर। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये जो ए है और ये जो एक्स है इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री जाएगा, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि जो यहां पर एंगल मेड बाय एनी साइड, एंगल मेड बाय एनी साइड ऑन ऑर्थो सेंटर इज सप्लीमेंट्री ऑफ ऑपोजिट एंगल ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे कि ये हो गया हमारा ए, ये हो गया एक्स, तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेंट्रॉइड होता है और जो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स नहीं होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सेम पॉइंट्स होते हैं ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर तो वर्ड से ही समझ में जाता है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मींस विच बाइसेक्ट्स द एंगल, जो एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि यहां पर मान लीजिए ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये बी हो गया ठीक है, ये डी हो गया, तो ये जो एंगल्स हैं ठीक है, ये हो गया एक्स एंगल, ये हो गया वाई एंगल ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बीडी को क्या बोलेंगे, बीडी इज एंगल बाइसेक्टर, बीडी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ठीक है। अब वही सेम हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको पता ही है हर चीज इक्वल रहती है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो इक्वल रहते हैं ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स आर इक्वल ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल का ठीक है। और आपको ध्यान क्या देना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर तो सेम ही है, इसके अलावा भी मैंने जैसा वो पहले बताया था जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लाइन, मीडियन और जो एंगल बाइसेक्टर है ये तीनों भी सेम रहते हैं ठीक है, कोई अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही लाइन होती है जो परपेंडिकुलर का भी काम करती है, मीडियन का भी काम करती है और बाइसेक्टर का भी काम करती है ठीक है। इसके बाद भाई सेम है आइसोसेलिस ट्राइंगल वाला। आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स से जो लाइंस निकलती हैं वो इक्वल है ठीक है, तो इसमें क्या है दो एंगल बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं, टू एंगल बाइसेक्टर्स आर इक्वल। इक्विलेटरल में तीनों एंगल बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं, जबकि आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो एंगल बाइसेक्टर्स हमारे इक्वल होते हैं। और स्केलिन में क्या होता है, स्केलिन में ऑल आर डिफरेंट ठीक है, स्केलिन में ऑल आर डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या होता है इन सेंटर,
एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर्स में देखिए जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनके बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर होता है हमारा मीटिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल। ये ट्राइंगल हो गया ए बी और सी, मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मान लीजिए डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ये क्या है कि ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो ये जो ए और ई है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, जो ये सी और एफ है ये सी को बाइसेक्ट कर रहा है, जो बी और डी है ये बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर क्या है, ए ई सी एफ और बी डी, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे एंगल बाइसेक्टर है। अब इनका जो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर, मीटिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट मीटिंग है। तो मान लीजिए इसको हमने लिख दिया आई, तो यहां पर जो ये आई है ये आई हो गया हमारा इन सेंटर। क्लियर, इसको बोला जाता है इन सेंटर। ओके, अब यहीं पर एक हम लोग रूल पढ़ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा साफ डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग एक रूल इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये देखिए वही डायग्राम हम लोगों ने सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। जो ये वाला डायग्राम था यही सेम हम लोगों ने यहाँ पर रेप्लीकेट किया डायग्राम। ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आई, ठीक है। ध्यान कर देना है आपको कि यहाँ पर जो ये एंगल है, मान लीजिए इस एंगल को मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई। तो ध्यान का देना है कि जो एक्स है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल वाई। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, जो ये इन सेंटर है, जो ये एंगल यहां पे बनता है इन सेंटर पे, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर इन सेंटर में एंगल क्या है, इन सेंटर में एंगल है एक्स, इट इज इक्वल टू क्या है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ऑपोजिट एंगल, दैट इज एंगल वाई। क्लियर, दैट इज एंगल वाई। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको नोट करना हो तो, ठीक है। और एक और यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, चलिए इसी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये जो इन सेंटर होता है इट इज इक्वी डिस्टेंट, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। और जो हमारा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसे आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था कि सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया,
डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, बट समझने की कोशिश कर लीजिए। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ठीक है, ये इनका इन सेंटर हो गया, क्लियर। ये यहाँ पर इन सेंटर हो गया, ओके। ये हो गया इन सेंटर, लिख भी देता हूं मैं। अब क्या है कि यहां पर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं इन सर्कल। देखिए वर्ड भी है इन सर्कल, ब्रेक करेंगे वर्ड, इनका मतलब अंदर और सर्कल। तो जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल, ओके, क्लियर है। जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है उसको बोलते हैं इन सर्कल, और अगर ये ट्रायंगल के बाहर सर्कल होता, अगर ट्रायंगल के बाहर सर्कल होता तो हम लोग उसको बोलते यहां पर सरकम सर्कल, ठीक है। अगर ये बाहर होता इस तरीके से, अगर बाहर होता तो ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको बोला जाता है सरकम सर्कल। जो अंदर सर्कल है वो होता है हमारा इन सर्कल, और जो बाहर सर्कल है वो होता है सरकम सर्कल। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो जैसे ये इन सर्कल है तो इन सर्कल का जो रेडियस है, मान लीजिए कि ये हमारा आई पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा सी, तो जो इन रेडियस है, थोड़ा समझ लीजिए, इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल यहां पे क्या है, ये है आई सी, तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर नहीं, अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सर यहां पे फिर हम लोग सर्कम सर्कल देखते हैं। सर्कम सर्कल का जो यहां पर लेंथ है, लेंथ क्या निकलेगी सर्कम सर्कल की, ठीक है, सर्कम रेडियस क्या होगा, इन रेडियस आपने निकाल लिया, अब इन रेडियस के बाद हम देखते हैं सर्कम रेडियस क्या होगा। सर्कम रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल मान लीजिए कि जैसे ये है ना, यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, तो ये सर्कम रेडियस क्या हो गया, इट इज इक्वल टू आई एंड ओ। ठीक है, देखिए मैं आपको ये सब, ये इन सर्कल तो हो गया, इन सर्कल कब होता है, इन सर्कल इन सेंटर पे होता है, और जो ये सर्कम सर्कल होता है, सर्कम सर्कल बेसिकली सर्कम सेंटर पे होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर्कम सेंटर हम लोगों को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक बार सर्कम सेंटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर सर्कम रेडियस पढ़ेंगे और सर्कम सर्कल पढ़ेंगे। आपको सर्कम सेंटर पता होना चाहिए कि आखिर सर्कम सेंटर क्या होता है। तो चलिए एक बार पहले सर्कम सेंटर देख लीजिए। सर्कम सेंटर से पहले एक और यहाँ पर वर्ड होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले वो देख लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि बीच में कुछ छूट ना जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर आपको पता ही है, दैट इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट, देन इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या है, नहीं समझ में आया, चलिए डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम हो गया, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये यहां से एक लाइन आ गई जिसे हम बोलते हैं एडी। अब एडी अगर 90 डिग्री है, ठीक है, AD 90 डिग्री है, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और अगर इसकी वजह से B और C डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है कि एक तो 90 डिग्री होता है वो, इट इज परपेंडिकुलर, और फिर इट डिवाइड्स द लाइन इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और फिर वही सेम हम लोगों का जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं
इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जितने तीन तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं तीनों इक्वल होते हैं, क्लियर है, तीनों इक्वल होते हैं। आइसोसेलिस में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वल साइड्स पे होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, मतलब दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं, ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल में। इक्विलैटरल में तीन जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं तीनों इक्वल होते हैं, जैसे यहां से भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहां से भी ऐसे ड्रॉ करेंगे ई एफ, तो इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होते हैं जबकि आइसोसेलिस में केवल दो इक्वल होते हैं, ठीक है। और फिर बच्चा हमारा स्केलिन, स्केलिन में तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सरकम सेंटर क्या होता है, फिर हम लोगों को भी सरकम सर्कल भी पढ़ाना है। सरकम सेंटर क्या होता है, देखिए इन सेंटर हो गया, इन सेंटर के बाद जैसे कि हम लोगों ने अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का भी तो कुछ मीटिंग पॉइंट होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सरकम सेंटर। तो हम लोग अगर बोलें तो सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसको बोला जाता है सरकम सेंटर, क्लियर। और फिर क्या आपको ध्यान देना है कि सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर लिखना हो लिख लीजिए, सरकम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस, ठीक है, तीनों वर्टिसेस से सरकम सेंटर की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। ओके तो मान लीजिए कि आपने ऐसे एक ट्रायंगल लिया, चलिए दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, गलत बन गया ट्रायंगल, लिया मान लीजिए आपने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ओके ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसके बाद मान लीजिए कि यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या गया डी, या गया ई और या गया एफ, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट इज ये पॉइंट कहलाता है हमारा सरकम सेंटर, क्लियर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो कहलाता है सरकम सेंटर। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एक्स, तो ये हो गया हमारा सरकम सेंटर, क्लियर है। अभी हम लोगों ने देखिए इन सेंटर में भी फॉर्मूला पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और फिर से हम लोग सरकम सेंटर में भी वही फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी एंड सी, इसी डायग्राम को हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं यहां पर, ये हमारा सरकम सेंटर है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स, ओके, ये एंगल मान लेते हैं वाई, चलिए ये एंगल छोड़िए, ये एंगल मान लेते हैं वाई। तो देखिए अगर अगर हमें पता है कि ये जो एक्स है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा सरकम सेंटर है, ये पॉइंट सरकम सेंटर है, तो और ये जो एंगल ए है ये क्या है, मान लीजिए ये वाई है, तो ये जो एंगल होगा, जो एंगल सरकम सेंटर पर बना हुआ है, जो एंगल सरकम सेंटर पर बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ जेड है ये, तो जेड इज इक्वल टू टू वाई, दिस एंगल इज डबल ऑफ द ऑपोजिट एंगल, तो जो एंगल सरकम सेंटर पर बनता है वो एंगल ऑपोजिट एंगल का डबल होता है, दैट तो यहां पर जो जेड एंगल है जो कि सरकम सेंटर पे बन रहा है, जेड इज इक्वल टू टू वाई।
चलिए, ये था हमारा सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर के बाद हम लोग चलते हैं, जो भी हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था, दैट इज सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या है? मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल पर डायग्राम तो बिल्कुल खराब हो गया ये। ओ, बनी नहीं रहा है। चलिए पहले एक बार सर्कल बना के देख लेते हैं फिर हम लोग, ठीक है। ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए ये ट्राइंगल हो गया। तो ये कुछ, ये मान लीजिए सर्कल ही यहाँ से मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है, बन नहीं पा रहे मुझसे प्रॉपर डायग्राम। ये मान लीजिए ये ट्राइंगल हो गया। अब जो ये वर्टिसेस हैं, सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल होता है कि जो ट्राइंगल के आउटसाइड सर्कल बनता है उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। मतलब जो ये वर्टिसेस हैं, जो ये वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, इन वर्टेक्स को टच करते हुए जो सर्कल बनता है उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को छूता हुआ सर्कल बनता है उसको बोला जाता है सर्कम सर्कल। तो देखिए यहां पर ये इस तरीके से टच कर रहा है, ओके। ये इसका मिड पॉइंट हो गया सर्कल का। सर्कल का मिड पॉइंट मान लीजिए ओ हो गया, ठीक है। सर्कल का मिड पॉइंट यहाँ पे ओ हो गया, और ये जो सर्कल है ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया। अब हमें इसका रेडियस निकालना है, दैट इज हमें फाइंड करना है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या है? सर्कम रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल का जो रेडियस है, ये जो पॉइंट है, ये आर जो ये लेंथ है, ये क्या होगी? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन फोर टाइम्स इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, भूलिएगा मत। सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, दैट इज ये मान लीजिए कैपिटल आर है, ठीक है। सर्कम रेडियस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन फोर टाइम्स इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो हम लोग एक्सरसाइजेस में देखेंगे, क्लियर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो यहां पर समझनी है। फॉर्मूले अगर आपको नोट करना है तो नोट करते जाइए, एक्सरसाइजेस में आपको काम आएंगे। जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, नोट करना हो नोट कर लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो ये सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्यों? क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बेसिकली डायामीटर होता है सर्कम सर्कल का, इट इज डायामीटर ऑफ सर्कम सर्कल। अगर डाउट है आपको तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। याद करने से अच्छा है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वो ज्यादा बेटर होता है। ये देखिए, ये हमारा एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देखते हैं सर्कल बना पाता हूं मैं कि नहीं, ठीक है। ड्राइंग काफी कमजोर है मेरी, बनेगा? चलिए काम चलाओ, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डायग्राम सही बन रहा था, गलत हो गया। अब सही बना है,
नहीं रहा ऑब्जेक्टिव, ओफो चलिए हो गया। काफी मेहनत के बाद आखिर ये एक बढ़िया सा सर्कल बन ही गया। ठीक है, मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट मिलता ही है। देखिए एक्चुअली क्या था, अगर प्रॉपर सर्कल ना बनता है तो समझने में काफी प्रॉब्लम आती है आपको। अब देखिए समझना क्या है, ये ट्राइंगल है हमारा ए बी और सी। ठीक है, अब जो ये ए सी है, ये जो ए सी है ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी। ओके, ये 90 डिग्री हो गया और ये हमारा सर्कल है। क्लियर है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया सर्कल का। अब सर्कल का जो ये डायामीटर है वो क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है, डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए सी, और ये ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, तो अगर हमें रेडियस निकालना हो, मान लीजिए कि ये रेडियस हो गया, ये आर हो गया, तो आर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन टू, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन टू। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ इक्विलैटरल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग पहले डायग्राम एक बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का। ओके, ये आ गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये तीनों साइड्स यहाँ पर हमारी इक्वल हो गई, तीनों एंगल्स यहाँ पर हमारे इक्वल हो गए, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन रेडियस, ठीक है, एक बार लिख भी लीजिए आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन रेडियस और जो ये सर्कम रेडियस है, इन रेडियस और जो सर्कम रेडियस है इसका रेशियो होता है 1:2। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो हो जाता है 1:2। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन, वही रेशियो है, एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू 1/4। अब देखो फायदा क्या होता है कि अगर आपको ये सब रेशियोज याद हैं तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सेकंड्स में आंसर निकाल लेंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ये सब आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो कोशिश करिए ये सब के सब, ये सारे फॉर्मुलेस ये सब आपको याद हों। इन रेडियस कितना होता है, इन रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3। ठीक है, नोट करना हो नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूलाज। सर्कम रेडियस कितना होता है, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन √3। क्लियर है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे। ठीक है, कोशिश करिएगा आपको याद रहे, भूलिएगा मत। ओके, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी भूलिएगा मत ये सारे फॉर्मूलाज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये सारे। नोट कर लिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्लियर, अब एक और हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें ये डिलीट करना, ये आपको समझ में आ गया ना, ये देखिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो है 1:2। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 2√3, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन √3, और इन सर्कल और सर्कम सर्कल का एरिया का रेशियो होता है 1:4। ये यहाँ पर कुछ रेशियोज हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा एक और पॉइंट बचा है, वो भी हम लोग जरा देख लेते हैं। उसके लिए ये हम लोगों को जरा डिलीट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये एक क्वेश्चन है जो कि काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है और काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ओके, फिर से वही हाल हो गया ड्राइंग का अपनी। चलिए मान लीजिए, ठीक है, चलिए परफेक्ट बन गई अपनी ड्राइंग। अब यहां पर अगर इस तरीके से कुछ आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये, ठीक है, ये देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर ये इन सर्कल हो गया और ट्रायंगल के ऊपर ये सर्कम सर्कल हो गया। अभी जो इन सर्कल है ये क्या है, ये इन सर्कल शेडेड है। देखिए ये मैं शेड किए दे रहा हूँ उसमें, तो ये शेडेड पार्ट हो गया, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है। तो अब आपको यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेडेड रीजन एंड अनशेडेड रीजन, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? तो इसका आंसर आपको सिंपल से वर्ड्स में याद होना चाहिए, 1:3। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठना है, ठीक है, बिल्कुल बाय हार्ट आपको रटा होना चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू 1:3। सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर है, इट इज इक्वल टू 1:3। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं ट्राइंगल्स की, ठीक है, चलिए कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको यहां पर ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दैट इज ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम तब बोलेंगे जब इनका शेप इक्वल हो, जब इनका साइज इक्वल हो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनका शेप और साइज इक्वल होता है, क्लियर है, इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो ये साइड्स हैं वो इक्वल हो गई, ए बी इट इज इक्वल टू डी ही, ए सी इज इक्वल टू एफ डी एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, लेकिन और लिख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू डी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्लियर। इसके बाद क्या है, ये तो हमारी साइड्स हो गई, फिर आता है एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इट इज इक्वल टू एंगल एफ, क्लियर है। ओके, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंसी है तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में क्या होता है, साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं
और हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एंड एफ। ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि ट्राइंगल्स जो है उनकी साइड्स और जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, और इसका जो डिनोशन होता है वो हम लोग ये सिंबल यहाँ पर इसके कॉन्ग्रुएंसी के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम लोग, ये आपको क्लास 7th 8th में पढ़ाया गया होगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा, जिसे बोलते हैं SSS। ठीक है, SSS मेथड का मतलब होता है साइड साइड और साइड। ठीक है, साइड साइड और साइड, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ए बी, ए बी चलिए इसको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये हो गया डी, ये ई और ये एफ। तो SSS का मतलब क्या होता है, सी इज इक्वल टू एफ, ए इज इक्वल टू डी और बी इज इक्वल टू सी। अगर ये 3 साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर, सिंपल सा यहाँ पर ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये SSS मेथड हो गया। अब SSS के बाद जो हमारा दूसरा मेथड आता है वो आता है SAS। अब ये SAS का मेथड क्या होता है, S का मतलब हो गया साइड, A का मतलब हो गया एंगल और A का मतलब हो गया साइड। तो अगर दो साइड और एक एंगल, A हो गया यहाँ पर एंगल और ये जो S है, S का मतलब होता है साइड, तो अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर सी है, ये ट्राइंगल देखिए, अगर ये सी है, सी इज इक्वल टू एफ एंड ये देखिए यहाँ पर ये है बी एंड बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू एफ एंड बी इज इक्वल टू ई, सॉरी ये बी है ना, ये ई है, ये बी सी नहीं है, ये ई है, साफ समझ नहीं आ रहा है, ये ई है। अगर सी, ये ध्यान दीजिए, अगर सी एफ के बराबर है और ये बी E के बराबर है और इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल मान लीजिए ये हो गया एक्स और जो वाई है, ठीक है, दोनों साइड जो इक्वल साइड है उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया हमारा ए एस ए। ASA का मतलब क्या हो गया, एंगल साइड और एंगल। अगर दो एंगल्स हैं और उनके बीच में जो साइड है वो इक्वल है तब हम बोलते हैं कि ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, जैसे कि मान लीजिए ये X हो गया, ये मान लीजिए M और ये मान लीजिए N, तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं X इज इक्वल टू Y, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y और एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, और फिर बोलते हैं कि B इज इक्वल टू E, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर, ये यहाँ पर पॉइंट है। ओके, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और ले सकते हैं, AAS भी ले सकते हैं, बट बेसिकली ये 3 होते हैं, SSS, SAS और ASA। अगर हम यहाँ पे AAS भी लेते हैं तो AAS का मतलब ये हो गया एंगल, एंगल और साइड। अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, अब जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ ली, कॉन्ग्रुएंसी के बाद में प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था, साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड्स के बाद एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है इनका बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो वैसे ही यहां पर एक पॉइंट होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, क्या सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं सिमिलैरिटी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, शेप और साइज इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी में क्या है, सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जो शेप है,
शेप इक्वल होना चाहिए लेकिन साइज जरूरी नहीं कि इक्वल हो। सिमिलैरिटी में शेप इक्वल होता है और जो साइज है साइज इक्वल हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में शेप इक्वल होता है लेकिन ऐसा कुछ कंपलसन नहीं है कि साइज भी इक्वल होना चाहिए। और दो अगर ट्राइंगल्स दिए हैं उनको हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे जब उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और जो उनकी साइड है वो साइड प्रपोर्शनल हो। ठीक है, चलिए क्या मतलब है। इस तरीके से हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया हमारा। आपको क्या फिगर, ये मतलब ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ये हो गया ए बी सी और ये आ गया हमारा डी ई और एफ। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि अगर अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर ए बी और डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, अगर ये एंगल्स इक्वल होते हैं और जो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तब हम बोलते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। दैट इज ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ ए सी अपॉन डी एफ, अगर ये इक्वल्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं तब ट्राइंगल हमारा सिमिलर होता है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हैं तब हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एंड एफ। यहां पर जो इसका सिंबल होता है सिमिलैरिटी का वो इस तरीके से होता है। क्लियर है, तो सिमिलैरिटी में क्या है कि एंगल्स इक्वल होते हैं और जो साइड्स हैं साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होते हैं और जो साइड्स हैं वो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होती हैं। ध्यान दीजिएगा साइड्स क्या होती हैं, साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल्स इक्वल एंड साइड्स रिमेन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं वैसे ही सिमिलैरिटी के भी होते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं ए मेथड से या फिर ए ए ए मेथड से। ए का मतलब क्या होता है, एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी ए बी सी सॉरी ए बी सी कर दिया, ए बी सी नहीं डी ई एफ, अगर हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं और इनके एंगल्स सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तब हम ये क्राइटेरिया लगाएंगे ए ए ए वाला और हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एंड एफ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एस एस एस। एस 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 का क्या है कि अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तब ट्राइंगल सिमिलर होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए बी, देखिए यही डायग्राम का रेफरेंस लेके हम सब कर रहे हैं, ए बी अपॉन डी ई इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शनल, और एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। क्लियर है पॉइंट। तीसरा एक और हम लोग क्राइटेरिया ले सकते हैं, तीसरा क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेंगे एस ए एस वाला। एस ए एस का मतलब क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हैं और जो बीच में एंगल है इनका ये एंगल इक्वल है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो साइड है इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी,
इसको मान लेते हैं डी, ये हो गया ई और ये हो गया हमारा एफ। तो अगर हम लोग यहां पर बोलते हैं कि ये जो ए बी है, ए बी अपॉन डी ई इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, और जो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हैं तब हम बोलेंगे ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल सिमिलर है। क्लियर? चलिए ओके इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी भी हो गई, सिमिलरिटी भी हो गई। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है ट्राइंगल का, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है? देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, चलिए पहले सबसे पहले अपना मेन काम करते हैं डायग्राम बनाने का। ये डायग्राम बन गया हमारा, ए आ गया, ये आ गया बी, और ये आ गया सी। ये यहाँ पर एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है। अब समझना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। जो डीई है और जो बीसी है, अगर हम बोल दें कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर हम बोल दें कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इट इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर डीई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्लियर है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्लियर? ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होने के बाद जो दो साइड्स हैं उसको वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी अपॉन डी बी इट इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और देखिए ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया, इसी का हम ऑपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, इसी का ऑपोजिट जो होता है उसको बोला जाता है कॉन्वर्स, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये होता है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स क्या काम करता है? अभी हम लोगों ने देखा कि अगर डीई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अगर हमें दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इट इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो हम बोल सकते हैं उस केस में जो डीई है वो बी सी के पैरेलल है। क्लियर है? ये है यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट। ओके फिर क्या है कि मान लीजिए कि जो डी है, ये डी ए बी का मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल रहे हैं कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, और जो डी है, डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उस केस में जो डी है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, उस केस में जो ये डी है इट बाइसेक्ट्स ए सी, और जो हमारा ए ई है, ए ई विल बी इक्वल टू ई सी। क्लियर? ये है सिंपल सा पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए ई और ई सी इक्वल रहेंगे, क्योंकि जो डी है वो ए सी को बाइसेक्ट करता है। ओके
फिर क्या पॉइंट है, अगर हम बोल दें कि ये जो ई पॉइंट है, भूल जाइए जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर बोल दें कि जो ई है, ठीक है, अगर जो हम लोग बोल दें कि ये जो ई है, चलिए ये आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बोल दें कि जो डी है, डी एंड ये जो ई है, डी एंड ई ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों ये मिड पॉइंट्स हैं, डी ए बी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो उस केस में क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। उस केस में हम बोलेंगे कि डी ई जो है, डी ई सबसे पहली बात पैरेलल ए बी के, ये पहला कंक्लूजन निकलेगा। दूसरा निकलेगा कि डी ई इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का, ठीक है, इसका यूज बहुत होता है क्वेश्चंस में। अगर डी और ई मिड पॉइंट हैं तो डी ई जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, और जो डी ई है इट विल बी हाफ ऑफ बी सी, क्लियर। फिर देखिए और इंपॉर्टेंट चीजें, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, देखिए टाइम नहीं वेस्ट करना एग्जाम में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका रेशियो आएगा 1:4, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये जो यहां पर ये पार्ट है ए डी ई, ये ट्राइंगल और जो ट्राइंगल ए बी सी, ये जो पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4, और जो डी ई है, डी ई क्या आएगा, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये निकला कैसे, ये निकला ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, तो डी ई अपॉन बी सी क्या है, 1/2, तो 1/2 को होल स्क्वायर कितना होगा, 1/4। एरिया का अगर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड्स, ठीक है। फिर देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि ये जो ट्राइंगल ए डी ई है, ये अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी ई कितना होगा। अब देखिए समझना क्या है आपको, अब एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है या आपसे बोल जाए एरिया निकालिए ए डी ई और ये डी बी सी ई का, तो आप टेंशन में जाएंगे या फिर आप टाइम लगा देंगे बहुत, ऐसा कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी ई, ये इसका रेशियो होता है 1/3, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो क्या है, द रेशियो इज 1:3। और अगर यहीं पर आपसे बोल दिया जाए कि आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 4:3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, डी क्या है, डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ए बी सी इट विल बी इक्वल टू 1/4, फिर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डी बी सी ई वो आ जाएगा 1:3, और एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी ई वो आ जाएगा हमारा 4:3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ रूल्स, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से है, यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया हमारा सी, क्लियर। ये यहां से एक लाइन निकली, ये हो गई हमारी डी,
ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये केस है ठीक है, तो देखिए जो बीडी है ये क्या होगा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अगर इस तरह से ट्राइंगल है और बीडी परपेंडिकुलर, सबसे पहली चीज क्या है जो आपको ध्यान देनी है, ट्राइंगल ए बी डी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल ए बी डी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी ठीक है, एंड इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। ये जो तीन ट्राइंगल्स बनते हैं, एक तो हमारा जो मेन ट्राइंगल वो हो गया ए बी सी, और जो दो छोटे ट्राइंगल्स बनते हैं ए बी डी और बी सी डी, ये तीनों के तीनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए सी इन टू ए डी, भूलिएगा मत। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इन टू ए डी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इन टू सी डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इन टू सी डी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करना हो नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए बिल्कुल। ये जो ए बी स्क्वायर है, जो ए बी है, ए बी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, क्लियर। ए सी इंटू ए डी। ये जो बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, क्लियर। इसके बाद जो ये बी डी है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कॉपी हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक, ठीक है। ये आ गया डी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब देखिए ये एक्स और वाई हो गया, तो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल से बाहर होता है, तो एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए ये हमारा हो गया जेड। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो इस केस में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये आपको ध्यान देना है ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जेड है, तो जेड का इंटीरियर ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब होता है कि ये एंगल नहीं लेंगे, जो ये एंगल है ना इसको नहीं लेंगे हम लोग ठीक है, जो ये इसके ऑपोजिट एंगल्स हो, जैसे एक्स और वाई, इन दोनों एंगल्स को लेंगे। इट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्लियर है ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, क्लियर। इसको हम लोगों ने ऐसे एक्सटेंड किया यहाँ तक, ऐसे आ गया ठीक है। इसको मान लीजिए ओ,
तो अगर आपसे बोला जाए आपको एंगल BOC निकालना है, तो एंगल BOC इट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये इन सेंटर वाला फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला, तो ध्यान रखिएगा एंगल BOC इट विल बी इक्वल टू एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ठीक है, आपको ध्यान का देना है कि ये जो है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन बना रहा है, ये एंगल इज मेड बाय, एंगल इज मेड बाय बाइसेक्टर। इफ द एंगल इज मेड बाय बाइसेक्टर देन एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ऑपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए ये तो इंटीरियर एंगल हो गए। अब अगर यही सेम केस हमारा एक्सटीरियर एंगल के साथ होता, उस केस में क्या होता, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। इसको हमने ऐसे एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, एक्सटेंड किया हमने इसको ऐसे इस तरीके से। अब ये जो ओ है ये एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है और अगर आपसे बोला जा रहा है कि एंगल BOC निकालिए इस केस में, तो इस केस में BOC क्या होगा, इस केस में होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर, क्या होगा, BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर इंटरनल एंगल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर, चलिए ये तो दो, एक ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग जरा डायग्राम देखते हैं अपना, थोड़ा सा टफ होने वाला है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा इंटरनल एंगल हो गया, बी हमारा इंटरनल एंगल है, बी क्या है, इंटरनल एंगल हो गया, ये जो सी है ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया। अब देखिए हमारे पास एक इंटरनल एंगल है और हमारे पास एक एक्सटर्नल एंगल है, और ये मान लीजिए ये ओ हो गया, ठीक है। अब इस केस में अगर आपसे बोला जाए कि आपको BOC निकालना है, तब क्या होगा, इस केस में होगा एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर, तो देखिए तीन केसेस थे, अगर इंटीरियर एंगल है तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस हाफ है, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो क्या करेंगे, 90 माइनस हाफ है, अगर एक इंटरनल एक एक्सटीरियर एंगल है तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये जो BOC है ये क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब अगर ये हमारा यहाँ पर 2x है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x। क्लियर, चलिए इसी में एक और पॉइंट है, नेक्स्ट भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ये ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ये आ गया सी, ठीक है, ये आ गया डी, ये आ गया ई, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिया हुआ है कि ये जो AD है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर हो गया, और जो ये AE है, जो ये AE है
ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और आपसे बोला जा रहा है आपको निकालना है डी ए ई। तो इस केस में एंगल डी ए क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? अगर ए डी हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के, और जो ए ई है, ये ए ई क्या है, ये ए ई हमारा एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में एंगल डी ए ई, ये जो एंगल है एंगल डी ए ई, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल मेड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑन द सेम साइड। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब ये जो यहां पर एडी है, ये जो एडी है, एडी क्या है, एडी हमारा यहां पर बाइसेक्टर है, ठीक है, एडी हमारा बाइसेक्टर है। ये जो एडी है, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए जेड है, ठीक है, ये जो जेड है, ये एंगल कौन बना रहा है, एडी बना रहा है। तो ये जो जेड है, और ये मान लीजिए इस एंगल को मान लेते एक्स, ये इंटीरियर एंगल हो गया, और जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इट विल बी इक्वल टू 2z। ये ध्यान देना है आपको, x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई हमारा 2z के बराबर है। अगर AD हमारा बाइसेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, अगर AD हमारा बाइसेक्टर है, तो जो एंगल AD बनाता है और जो इसके इंटीरियर और ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, या फिर जो एंगल ये हमारा AD बनाता है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लिखना और लिख लीजिए, एंगल मेड बाय बाइसेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, और ये आ गया आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, अगर बी डी और डी सी इक्वल हैं, ठीक है, बी डी और डी सी इक्वल हैं, उस केस में ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इट विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ए बी और ए सी का जो सम है, इट विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए डी। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स
थ्री मीडियंस, ठीक है, ट्रायंगल में तीन मीडियंस होती हैं, तो जो तीनों मीडियंस का जो सम है, ठीक है, वो पेरिमीटर से कम होता है। नोट करना हो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, सम ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स का जो सम होता है वो ट्राइंगल के तीनों साइड्स से कम होता है, तीनों साइड्स के सम में से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो मीडियन होता है ट्राइंगल का, मीडियन डिवाइड ट्राइंगल इंटू सिक्स स्मॉल ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो मीडियन है, मीडियन जो है इट डिवाइड्स ट्राइंगल इंटू सिक्स स्मॉल ट्राइंगल्स, ठीक है, और जो वो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इस तरीके से ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। ये एफ हो गया और ये ई हो गया। अब देखिए ये यहां पर मान लीजिए ओ है, ये जो ओ है यहां पर, ये ओ बेसिकली हमारा सेंट्रोइड है, ठीक है। ये जो यहां पर ओ है हमारा, ये ओ बेसिकली क्या है, ये ओ हमारा सेंट्रोइड है, क्लियर। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो ए एफ है और बी एफ है ये इक्वल है, और जो ए ई है और जो ई सी है ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो एफ है और ये जो ई है, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। एफ और ई क्या है, एफ और ई ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों हमारे मिड पॉइंट्स हैं। अगर एफ और ई मिड पॉइंट्स हैं और ओ सेंट्रॉइड है, और हमसे बोला जा रहा है कि आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ, ठीक है, जो ट्राइंगल सेंट्रॉइड बनाता है, ठीक है, एरिया ट्राइंगल मेड बाय सेंट्रॉइड, तो जो ट्राइंगल सेंट्रॉइड बनाता है उसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो ट्राइंगल ये सेंट्रॉइड बनाता है उसका एरिया इट विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि जैसे यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, ये यहां से परपेंडिकुलर निकला, मान लीजिए इसको मान लीजिए क्यू, और ये परपेंडिकुलर यहाँ सी से, ठीक है, मान लीजिए सी से, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग खराब हो रही है मेरी, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग है भी नहीं मेरी, तो ये जैसे ये यहाँ पर आ गया, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है एक। अब अगर आपसे बोला जा रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको ध्यान देना है ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपसे बोला जा रहा है, आपको आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट
व्हाट इज दी हाइट ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इस इक्विलैटरल के ट्राइंगल की जो हाइट हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे ओपी प्लस ओआर प्लस ओक्यू। ठीक है, अब आप देखिए कैलकुलेट मत करने बैठ जाइएगा, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके फिर बी आर निकालेंगे, फिर ए बी है आपके पास, फिर आप ये ए आर निकालेंगे, सीधा सीधा क्या आएगा ओ पी प्लस ओ आर प्लस ओ क्यू। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और थोड़े से मैं और आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज बता देता हूँ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के, कि क्या क्या यहाँ पर हम लोग नॉर्मल से याद करके हम लोग सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जैसे साइड होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है और जो हाइट है, साइड और हाइट इसका जो रेशियो होता है वो होता है 2:3। ध्यान रखिएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ये पूरी बात इक्विलेटरल ट्राइंगल की हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड और हाइट का रेशियो होता है 2:3। क्लियर है? ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड और हाइट इसका रेशियो होता है 2:3। ये आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये आ गया डी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक, जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इट इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, लेकिन ये कब है, जब यहां पर जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट क्या करती है, ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स। जैसे कि यहां पर देखिए ये एडी है, तो एडी क्या कर रहा है, ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बीडी और डीसी, तो बीडी इज इक्वल टू डीसी। तो यहां पर अगर हम रेशियो निकालेंगे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बी डी अपॉन डी सी, बेस का रेशियो। ठीक है, जो ये बेसेस हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो बेस हैं बेस का रेशियो निकलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक रूल देखते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, मान लीजिए ये एक यहां पर ट्राइंगल है, ठीक है, और ओके ये यहां पे कुछ ज्यादा ही खराब हो गया ये। तो छोड़िए, ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, देखिए दो ट्रायंगल्स हैं यहां पर, ए बी सी और ये बी डी सी। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो अभी भी ये बन नहीं पाएगा क्योंकि ये गलत हो गया है, जो डायग्राम में हमारा वो डायग्राम पूरा गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए अब ठीक बना है डायग्राम। अगर डायग्राम गलत हो जाता है तो इसी से काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और ये देखिए एक ये लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है हमारी एम और एन। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा अगर ये जो एम एन है, एम एन इज पैरेलल टू बी सी, एम एन इज पैरेलल टू बी सी, और देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है हमारे पास ट्राइंगल बी सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपको ध्यान देना है कि जो बेस है, इन ये दो ट्राइंगल के जो बेस है सेम है, ठीक है, सेम बेस है, और ये जो लाइंस है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, तो जो इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज ए बी सी और जो इस ट्राइंगल का एरिया है दैट इज बी डी सी, ये एरिया सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका बेस सेम है।
तो अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और ट्राइंगल्स का बेस सेम है, अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और ट्राइंगल्स का बेस सेम है और वो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है, तो उनका जो एरिया है वो एरिया सेम रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल से कुछ ट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम में आप एकदम क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये हो गया ए बी सी और ये डी। ठीक है, यहाँ से ये आ गया हमारा दैट इज ई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, दैट इज बी ई सी। अब ये बी ई सी का एरिया कितना होगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमारे पास ये पैरेललो ग्राम है। पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब क्या है, यहाँ पर अगर हमसे इस तरह का डायग्राम दे दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि ये बी ई सी का एरिया निकालो, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास बी ई सी और जो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इनका जो बेस है वो बेस क्या है, इनका बेस है सेम। और अगर इनका बेस सेम है तो बेस सेम है इनका, और इसके साथ में ये दोनों क्या है, देखिए पैरेलल लाइंस के बीच में, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं ये, ठीक है, इसके अलावा ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इस ट्राइंगल का जो साइड है ये 3 3 3 है, सेम है, और इसकी साइड है 1 2 3, इसकी साइड है 1 2 3। तो आपको ध्यान देना है कि जिस ट्राइंगल का, ठीक है, जिस ट्राइंगल का पेरीमीटर, ठीक है, जिस ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम होता है या फिर साइड से सेम होती हैं, ठीक है, साइड से सेम होती हैं, उसका जो एरिया है उसका एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और ये ट्राइंगल है हमारा डी ई एफ, तो इस केस में जो ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका जो एरिया है, इसका एरिया इट विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों, क्योंकि जो ए बी सी है इसमें देखिए, इसमें जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर क्या है, इक्वल है, जबकि इसमें देखिए जो साइड्स हैं वो साइड्स क्या है, जो पेरीमीटर है वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर हमारा पेरीमीटर या हमारी साइड्स जो है वो सेम है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम रहेगा। ओके, चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं ट्राइंगल में, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग कैसे यूज करेंगे अलग अलग ट्राइंगल्स में, वो हम लोग देखते हैं जरा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, मान लीजिए कि इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, ये एक हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। अब देखिए हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहता है कि ए सी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए, याद कर रखा होना चाहिए बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। क्लियर, अब यहां पर अगर हम लोग राइट एंगल की जगह पे मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया ऑब्ट्यूस,
ऑब्ट्यूस एंगल वाला हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो अब क्या सिचुएशन हमारी यहाँ पर बनेगी, चलिए देखते हैं जरा अब क्या सिचुएशन इस पॉइंट पर बनती है। देखिए इस तरीके का हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, ये ऐसे हो गया, ये 90 डिग्री आ गया, इसको हम मान लेते हैं डी। अब यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान से देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। फिर से देखिए, ए सी स्क्वायर दैट इज ये यहाँ पे जो लाइन है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो ए बी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। जब राइट एंगल था तो हमने सीधा सा रूल लगा दिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम क्या लगा रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस बी सी, 2 टाइम्स ऑफ दिस बी सी इंटू बी डी, क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ दिस बी सी इंटू बी डी। ध्यान से देखिए इस तरीके से है, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। ओके, ये होता है हमारा जो ये रूल है जो हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल में अप्लाई करते हैं। देखिए राइट एंगल और हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, चलिए अब बचा क्या, अब हमारा बचा हुआ है यहाँ पर एक्यूट एंगल। तो चलिए हम लोग जरा देखते हैं कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या यहाँ पर रूल लगाएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये हमें इस तरीके से ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो अब इस केस में फॉर्मूला लगेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, माइनस ऑफ 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। तो ये देखिए ये है हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू बी डी, ठीक है। और अभी हम लोगों ने ऑब्ट्यूस एंगल में क्या किया था, ऑब्ट्यूस एंगल में भी सेम था पूरा, केवल और केवल हमने क्या किया था यहाँ माइनस के प्लस कर दिया था। तो ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मूला क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू बी डी। एक्यूट का क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स BC इंटू बी डी। अब देखिए ये आपको रूल्स जो ये फॉर्मूलाज हैं ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, इसका फायदा क्या होता है कि एग्जाम में आप बहुत ज्यादा आप टाइम बचा सकते हैं, अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं अपने लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और रूल, ये मान लीजिए ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ये आ गया ए, ये बी, ये सी, ये आ गया डी, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये मैंने ऐसे बना दिया, मतलब क्या है कि ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ए डी है वो ए डी क्या है, ए डी इज मीडियन, तो ए डी हमारा यहाँ पर मीडियन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ए बी स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पर हमारा लगेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे बी डी स्क्वायर लिख लीजिए या फिर आप यहाँ पर सी डी स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे बी डी लिखिए या सी डी लिखिए, बट यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, यहां पर हमारा फॉर्मूला है कि ए बी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा यहां पर ये है, दैट इज फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर, ये जो हमारा ये लाइन है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये कब फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ए डी हमारा मीडियन है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
अब चलिए यहां पर तो एक मीडियन की बात हो रही है, अब मान लीजिए कि यहां पर देखिए ये एडी एक मीडियन है, अब अगर एक से ज्यादा मीडियन हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, चलिए उसका भी देख लेते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा। ये ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये हो गया बी ई, ये आ गया हमारा, ये मान लीजिए बी ई हो गया, ये आ गया हमारा डी, और ये मान लीजिए हमारा हो गया सी एफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ए डी है और जो ये हमारा बी ई है और जो ये हमारा सी एफ है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है मीडियंस। अगर ये तीनों मीडियंस हैं तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उस केस में यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 3 टाइम्स AB² प्लस BC² प्लस CA² प्लस CA² इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BE² प्लस CF², ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है, 3 टाइम्स ये हमारा यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ये हमारा ए बी है, AB² प्लस ये पूरा BC² प्लस ये आ गया AC², ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD² प्लस ये जो मीडियन है प्लस BE² प्लस CF². तो ये देखिए AD BE और CF मीडियन है, तो मीडियन का स्क्वायर का सम निकाल लिया हमने, और ये जो साइड है साइड के हमने स्क्वायर का सम निकाल लिया, तो 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स, सम ऑफ AB BC और CA, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ मीडियंस, ठीक है, ये यहां पर रूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अगर हम लोग यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा सी एफ, ठीक है। अब देखिए ये जो साइड है ये इक्वल है बी इक्वल टू ई सी और ए एफ इक्वल टू बी एफ, इस केस में हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ AE² प्लस CF² इट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC² तो ये देखिए 4 टाइम्स ऑफ AE² ये जो यहाँ पर AE है इसका स्क्वायर प्लस जो ये CF है CF² इट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC² ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AE² प्लस CF² इंटू 4 इट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ दिस AC, AC क्या है यहाँ पर, AC है हाइपोटेन्यूज, और यहां पर ये AE और CF क्या है, AE और CF है हमारा मीडियन। चलिए ये तो यहां पर पॉइंट हो गया कि हम लोगों ने मीडियन लिया था, अब मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन ये जो C और F है ये मीडियन नहीं है, तब क्या होगा केस, देखिए तब का केस क्या होगा, मान लीजिए ABC ये हो गया ट्राइंगल हो गया और ये मीडियन नहीं है, ठीक है, ये जो E है ये मीडियन नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो D और E है ये D और E मीडियन नहीं है, ये बल्कि पॉइंट्स है, D एंड E आर टू पॉइंट्स, D एंड E आर टू पॉइंट्स, ठीक है, ये जो D एंड E है दे आर टू पॉइंट्स, ओके, तो देखिए टू पॉइंट्स है तो इनको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने इनको ऐसे। अब इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, इस केस में फॉर्मूला बनेगा हमारा AE² प्लस CD² इट विल बी इक्वल टू AC² प्लस DE² नोट करने हो फॉर्मूलाज नोट करते जाइए, साथ में याद करना हो याद करते जाइए, बट छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ट्राइंगल से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके सेकेंड्स बचा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया हमारा AE² ये AE हो गया, AE² प्लस CD² इट विल बी इक्वल टू AC² प्लस ये देखिए ये है हमारा DE इक्वल प्लस DE², ठीक है, तो ये फॉर्मूला है याद कर लीजिए फॉर्मूला।
चलिए अब हम लोग कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, बेसिक से फॉर्मूलाज जो कि रिलेटेड है ट्रायंगल से। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा कि जो ट्रायंगल है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, मान लीजिए आपको ये है इस तरीके से दिया हुआ है ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक। ओके, इसकी ये जो हाइट है ये दी हुई है आपको, मान लीजिए ये हाइट दी गई है 4, ये दिया गया है 3 और ये हो गया 5। अगर आपसे बोला है एरिया निकाले तो ये क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है 4, तो 2 से ये 4 कट गया। ठीक है, 2 से ये 4 कट गया, कितना गया 2, तो एरिया कितना गया यहाँ पर 6। क्लियर, इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा एरिया का है, हम लोग एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर, इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एबीसी तो हमें पता है, एबीसी क्या हो गया, एबीसी तो वो साइड्स हो गई ट्राइंगल की। ठीक है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये इसकी साइड्स हो गई ए बी सी। लेकिन एस क्या है, देखिए एस का मतलब होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये होता है एस। एस का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट कितनी होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। ए का मतलब क्या होता है, ए होता है हमारा साइड, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, अंडर रूट 3/2 इंटू ए। क्लियर, अंडर रूट 3 इंटू ए बाय 2, याद रखना आपको। और अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपको हाइट दी हो और आपको साइड ही निकालनी हो तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा √2 2/√3 × h। h क्या होता है, हाइट, इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा h इज इक्वल टू √3/2 × a। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया निकालते हैं √3/4 × a² ए क्या है, साइड, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, √3/4 × a² क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल में। आइसोसेलिस ट्रायंगल का यहां पर क्या है, आइसोसेलिस ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, हाइट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4b² - a² ठीक है। अब ए तो हमें पता था, ए क्या होता है, ए होता है हमारा साइड, और ये बी क्या है यहाँ पर, बी है हमारे इक्वल साइड। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इक्वल साइड। इक्वल, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होती हैं वो होता है बी। ठीक है, बी इज इक्वल टू इक्वल साइड। और अगर हमें आइसोसेलिस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़े तो एरिया इज इक्वल टू a/4√4b² - a² तो ये होता है हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल टू a/4√4b² - a² क्लियर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे ट्राइंगल से रिलेटेड। ओके, तो ये ट्राइंगल का एंड था। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर ट्राइंगल, होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा देखिए पॉलीगन कंप्लीट हो चुका है, पॉलीगन के बाद हम लोगों ने ट्राइंगल्स भी कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलैटरल। ठीक है,
तो क्वाड्रिलैटरल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलैटरल में हम लोग जैसे कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपका, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने अभी तक पॉलीगन कवर कर लिया है पूरा, पॉलीगन के बाद हम लोगों ने ये ट्राइंगल कंप्लीट कवर कर लिया, ठीक है। ट्राइंगल में इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हो गया, फॉर्मूले हो गए सारे ट्राइंगल्स के, कॉन्ग्रुएंसी भी हो गई, सिमिलैरिटी भी हो गई, इसके अलावा ट्राइंगल में और कुछ नहीं है। ये कंप्लीट वीडियो था ट्राइंगल पे, पॉलीगन हो गया, ट्राइंगल हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, ओके। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल के साथ। थैंक यू।